हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद टेस्ट। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला, होटल स्टाइल पनीर टिक्का मसाला। अगर आप होटल स्टाइल सब्जी का स्वाद घर पर ही पाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 2 बड़े चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच बेसन, कुकिंग ऑयल, कसूरी मेथी, प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, शिमला मिर्च कटी हुई, लाल शिमला मिर्च कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। पनीर को क्यूब्स में काट लें। प्याज, शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च को भी क्यूब्स में काट लें। प्याज को बारीक काट लें। हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना लें। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। मिक्सिंग बाउल में 2 बड़े चम्मच दही डालें, 1 बड़ा चम्मच बेसन डालें। अब दही और बेसन को अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, दही और बेसन मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 पाउडर, 1/2 पाउडर, 1/2 किंग मसाला, 1/2 मसाला, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। शिमला मिर्च डालें। ये मैंने लाल शिमला मिर्च का यूज़ किया है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज डालें और पनीर डालें। हल्के हाथों से अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी मसालों की कोटिंग हमारी वेजिटेबल्स पर अच्छे से हो जाए। इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करें क्योंकि पनीर हमारा सॉफ्ट होता है। 15 से 20 मिनट के लिए अब हम इसे ढककर रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म होने लगे तब हम इसमें पनीर डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें पनीर डाल दें। अब पनीर को ब्राउन सी कोटिंग आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। साइड चेंज करते हुए इन्हें ब्राउन कोटिंग आने तक अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, पनीर पर ब्राउन कोटिंग आ गई है।
अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम ग्रेवी रेडी करेंगे। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा हमारा तड़कने लगे तब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये मैंने दो मीडियम साइज के प्याज का यूज किया है। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने लगे तब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे सब्जी में कलर बढ़िया आता है। अब इसमें हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने दो हरी मिर्च और तीन टमाटर का पेस्ट बनाया है। प्याज और टमाटर को कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते जाएं। अब आप गैस की फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं। तीन से चार मिनट इसे अच्छे से भून लें। उसके बाद इसमें मसाले डालें। हल्दी पाउडर डालें, धनिया पाउडर डालें, किचन किंग मसाला डालें और जीरा पाउडर डालें। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्वादानुसार अब हम इसमें नमक डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दें और दो से तीन मिनट के लिए इसे ढककर पका लें। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। जितना हमारा मसाला अच्छे से भुना होगा उतनी ही हमारी सब्जी बढ़िया बनेगी। मसाला हमारा भुन गया है। ऑयल भी मसाले से अलग हो गया है। अब इसमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल दें। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। एक दो मिनट इसे ढककर पका लें ताकि हमारे पानी में बॉयल आ जाए। ये देखिए पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें सब्जी डालेंगे। अब इसमें पनीर डाल दें। हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हाथ पर क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से सब्जी में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। इन्हें भी हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे।
दो से तीन मिनट हो गए हैं। ये देखिए सब्जी भी हमारी रेडी है। होटल स्टाइल पनीर टिक्का मसाला हमारा रेडी है। अगर आप होटल की सब्जी का स्वाद घर पर पाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे रोटी, परांठी, चावल, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस रेसिपी को बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।